स्वागत है आप सभी का NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी शाहगंज में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता सूर्यभान यादव जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है इस बार के लोकसभा चुनाव में, किस तरह से देख रहे हैं पूरे लोकसभा चुनाव को। अगर देखा जाए तो जगह जगह जो है आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए तो सबसे बड़ा पर्व है देश का, लेकिन जो महसूस किया जा रहा है कोई उत्साह नहीं है लोगों में। इस समय भाजपा अपने जुमलेबाजी के कारण जो 400 पार का नारा दे रही है वो सही मायने में एकदम फेल हो रहे हैं, जिसकी हताशा प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हुए कोई व्यक्ति अगर जाति धर्म विशेष की बात करता है तो कितनी गलत बात है। लेकिन उनने पहले चरण के चुनाव के बाद सीधे सीधे आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि मुस्लिमों को बांट देंगे। बताइए, तुष्टिकरण की राजनीति में सीधे आ गए, जबकि मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था कि जो मुख्यधारा से पीछे हैं उनको आगे लाया जाए। और आपने एक सुना होगा कि तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी बिहार में कमाल कर रही है, उन लोगों ने जानबूझ के एक जो है उसमें मछली खाते हुए वीडियो डाल दिया, उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में उठाया उस मुद्दे को कि जो है ये लोग नवरात्रम में खा रहे हैं, जबकि वो वीडियो पहले का था, तेजस्वी ने उसका खंडन भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को केवल तुष्टिकरण की आ रही है, त्राहिमाम कर रही है देश की जनता, बेरोजगारी पे युवा जो है एकदम त्राहिमाम कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है उस पर उनको समय नहीं है, सिलेंडर की 500 से 1000 चला गया उस पर कोई बात नहीं करनी है, अग्निवीर योजना कैसे फ्लॉप हो रही है देख रहे हैं, कितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उद्योगपतियों को कितना लाभ दिया जा रहा है, इस मुद्दे को कुछ बात नहीं करनी है, केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता जान गई है, अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राशन मिल रहा है मुझे वो हमें कुंद बनाने के लिए दिया जा रहा है, हमें रोजगार चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए। और मोदी सरकार हर मामले में फेल है, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश की सत्ता चलाएगी और देश का अच्छा भविष्य दिखेगा। अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार के माध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार 400 बार और मोदी की जो गारंटी है लोगों तक पहुंच रही है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 80 में कितनी सीटें इस बार जो है BJP के खाते में जाएंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की माना जाए तो लगातार लोगों का कहना है कि 80 की 80 सीटें इस बार BJP के खाते में जाएंगी। नहीं, ये सब तो पब्लिक जान चुकी है कि भाजपा केवल जुमलेबाज पार्टी है, और मैं वही बात उत्तर प्रदेश की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा दिलों की धड़कन श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश जो है 80 सीटों में कम से कम 60 सीटें हमारी पार्टी जीतने जा रही है। 20 सीटें वो भी इसलिए कि बहुत फाइट में है, वो भी जीती जा सकती है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है। और इनको इनकी हताशा इस बात की द्योतक है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे सारे नियमों को ताक पर रखते हुए उल्लंघन करते हुए उनको जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाला, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, आदिवासियों को, मतलब इनने कौन सी ऐसी बिरादरी है जो समाज के तबके को इन्होंने प्रताड़ित न किया हो। प्रशासनिक तंत्र जितना है ED CBI और जो भी कुछ है, आपने एक वो भी देखा होगा, मैं उस पर कहना नहीं चाहता हूँ कि फर्जी जितना एजेंडा बन सकता वो सब बनाते हैं, सरकारी तंत्र का हथकरणों का एकदम दुरुपयोग करते हुए ये जान रहे हैं कि हम कैसे इस बार सत्ता में आए, क्योंकि जैसे इन्होंने किया है आदमी ये होता है ना कि जो बोएगा वही काटेगा, तो ये जो बोए हैं अब काटने के डर से एकदम हड़बड़ाए हुए हैं कि कैसे सत्ता में आया जाए ये जान लीजिए, इसलिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं, किसी को जेल में डाल रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है पब्लिक चुप है, सीधे अपने मताधिकार के दिन अपने वोट का प्रयोग करते हुए इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी और देश में एक नई व्यवस्था, नई सरकार जो युवाओं को भविष्य, महंगाई पे कंट्रोल और प्रशासनिक तंत्र का कितना उपयोग होना चाहिए, किसको न्याय मिलना चाहिए, ऐसी सरकार की स्थापना होगी। जौनपुर में किस तरह से देख रहे हैं, जौनपुर में क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बसपा से शिकला हैं और धनंजय सिंह की पत्नी हैं, इसके अलावा जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के पसंद का सिंह चुनाव उतारा गया है, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह के पास कितना क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, लोग तो इनके बारे में भी कहते हैं कि वहाँ से भाग के चले आए हैं, हम जनता अपने लोकल मुद्दों को लोकल नेताओं के पास जाना चाहती है, इसलिए यहाँ जौनपुर में भी चुनाव का बहुत अच्छा नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो टिकट दिया हम लोग मजबूती से उनके साथ अभी चल रहे हैं, लेकिन देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व रहेगा उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूर्यभान यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और अगर इनकी माने तो उत्तर प्रदेश में करीब 60 समाजवादी पार्टी।